हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो टाइम हो रहा है 10:30 हो रहे हैं और मॉर्निंग का काम बस चल ही रहा है। अभी बर्तन धुलने के लिए हैं और कपड़े मशीन पे लगा रखे हैं, बस ये दो काम है। और काम आज धीरे धीरे चल रहा है क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी हो गई है। डीएम जी ने छुट्टी कर दी थी और रेयरली ऐसा होता है, लेकिन आज बारिश हो रही है फाइनली। नहीं तो जब जिस दिन डीएम छुट्टी करते उस दिन होता नहीं है। तो अंदर का रूम तो सेट है, ये सेट तो सारा कर दिया मैंने, बट यहाँ देखो तो ड्राइंग चल रही है। दोनों भाई कर रहे थे तो लाइट नहीं आ रही थी ना, इसलिए दोनों भाई कर रहे थे बैठ के। और अभी लाइट चली गई है, लाइट आ गई है मतलब, तो हन्नू टीवी में चली गया और ये देखा। तो थोड़ी देर इन्हें कराती हूँ, फिर इन्हें थोड़ा प्रैक्टिस कराती हूँ क्योंकि हन्नू के तो ना एग्ज़ाम था आज, बट वही है। और आपको एक चीज़ और दिखाओ, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। ये देखिए, परसों ही मैंने फ्रिज का सामान अरेंज किया था, और परसों मतलब जिस दिन किया था, दो दिन ये फ्रिज चला है सिर्फ। उसके बाद फिर से ये मतलब लाइट जल रही है, चल रहा है बट कूलिंग नहीं हो रही है, तो फिर से ये ऐसी हो गया। मतलब मेरी तो क्या बोलूँ, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है भगवान। और मतलब जो काम होता है बनता ही नहीं है, ठीक से बनता ही नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है। चलो छोड़ो, किस्मत को छोड़ो, अपनी ज़िंदगी जियो। और थोड़ा मौसम ठीक हो जाता तो हम फ्रिज सही भी ना करवाते। अब वैसे सिर्फ कूलिंग नहीं हो रही है तो बोला तो है उन्हें भैया को, बट वो ये ना, वो ना दूर से आते हैं, वो मतलब जहाँ हमारा मेरे ससुराल है उधर की तरफ रहते हैं, वो जान पहचान वाले हैं ना, तो फिर वो बार बार भी नहीं बोला जाता क्योंकि पास में हो तो बोला जाओ, कि दूर से आते हैं बेचारे। बोला उन्होंने कि मैं उधर की तरफ जाऊँगा तो मैं देख लूँगा, बट वही है फिर अब बार बार भी नहीं बोला जाता ना। तो चलो देखते हैं कैसे। बेटा उसने क्यों कलर कर रहा? नाइन को उसने तिरंगा बनाया, उसमें कलर करने का क्या मतलब है? तो वो बस कपड़े धुल रहे हैं और बाहर मौसम का हाल देखा हो तो खतरनाक वाला है। किचन में भी बर्तन है, बस सब कुछ दिया क्योंकि मोटर का पानी चल रहा था, तो अब बर्तन ही धुलेंगे। कुछ कपड़े सूख रहे हैं वहाँ, बस ऐसे ही है। आपको ना एक चीज़ दिखाती हूँ, ये है मेरे प्लांट्स। ये अब फाइनली ये ना इसको सही हो गया, नहीं तो इसका ना पत्ता ना फूटते रहते थे बीच से, अब नहीं फूटते इसके पत्ते। तो देखो कितना बड़ा हो गया, ये भी देखो कितना बड़ा हो गया। और हाँ, और मेरा ये मनी प्लांट भी काफ़ी हो गया है, ये भी हो गया। एक चीज़ दिखा रही थी मैं आपको, सबसे पहला प्लांट मैंने ये लाया था, सबसे पहला प्लांट ये वाला लाया था। तो ये ना पता नहीं ऊपर से किसी बच्चों ने तोड़ा, सॉरी बच्चों ने तोड़ा, क्या हुआ मशीन की आवाज़ आ रही होगी ना, तो बच्चों ने थोड़ा पता नहीं क्या किया, ये ना मतलब ग्रो ही नहीं हो रहा था, ग्रो ही नहीं हो रहा था। इसको देख के मेरा मन इतना वो हो गया था, होता है ना फर्स्ट टाइम लाया था तो। लेकिन अब फाइनली मैं इसे अब बोल रही थी कि मैं ना इसे फेंक दूँगी, अब क्या करूँ जब ये बढ़ ही नहीं रहा है। तो अब देखो इसने ना अपना प्लांट बना दिया, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। ये इसने अपना अपना प्लांट निकाल दिया जड़ से ही दूसरा, क्योंकि वो ऊपर ग्रो नहीं हो रहा था ना, उसने नीचे से प्लांट बना दिया अपने। हाँ, तो मैं प्लांट के बारे में बता रही थी, उसने ना नीचे से अपना प्लांट बना दिया है, जड़ से ही निकल गया है दूसरा प्लांट। इतनी खुशी हुई ना मुझे, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, क्योंकि मेरा मन बहुत दुख रहा था। फर्स्ट लाई थी मैं, अच्छे से ग्रो कर रहा था वो, पता नहीं बच्चों ने तोड़ा, किसने तोड़ा, चिड़िया ने तोड़ा, किसने तोड़ा, चूहे ने तोड़ा। वो बढ़ता था फिर वैसे हो जाता था, बढ़ता था मतलब वो बढ़ ही नहीं रहा था, ग्रो ही नहीं होता। अब मुझे ये लग रहा था मैं ना इसे फेंक दूँगी, लेकिन जब परसों मैंने देखा तो उसने दूसरा प्लांट अपना बना दिया, तो इतनी खुशी हुई। मैंने कहा इसे भी हो रहा होगा कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, तो उसने अपना वो बना दिया और बहुत अच्छा लगा मुझे ना, इमोशनल सी हो गई थी मैं कि मतलब वो भी जीव है ना, आखिर उनके अंदर भी जीवन है ही, तो थोड़ा होता है वो लगता है। और प्लांट सारे अच्छे से चल रहे हैं, तो बस चलो बाद में मिलती हूँ आपको, काफ़ी बातें हो गई। सो फ्रेंड, यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी और दाल चढ़ानी थी, तो आज मैं चढ़ा रही हूँ मसूर की दाल। आज ठंडा था ना मौसम, तो मैंने कहा चलो मसूर, वैसे मसूर गर्म होती है तो काली मसूर मतलब बोलते हैं लोग काली मसूर, पीली मसूर, मुझे तो ये मसूर है, वो मलका पता है, मलका बोलते हैं कि वो भी मसूर की दाल होती है। तो यहाँ पे धुल रहे हैं, मतलब सुनती हूँ ना मैं व्लॉग में कि काली मसूर बना रहे हैं सर, ये पीली मसूर बना रहे हैं, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आता। मलका होती है और मसूर होती है, बस इतना जानती हूँ मैं। तो बस दाल मैंने चला दी, उसके बाद कपड़े भी ड्राई हो गए थे तो कपड़े निकाल दूँगी। और आप मेरी बात पर हंसोगे, कपड़े पता है कैसे निकालती हूँ मैं? 3 सेट बना रखे मैंने,
एक सेट हो गया अंडरगारमेंट्स का, एक सेट हो गया जिसमें जो कपड़े मतलब ज़रूरी चाहिए, जैसे ड्रेस हो गई और ड्रेस वगैरह हो गई, और एक सेट ऐसे जो घर के डेली यूज़ के कपड़े जो इतना ज़रूरी नहीं है सूखने का। तो अभी से ही पार्टीशन करके रख रही हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ, तो हंसी भी आ रही क्योंकि मेरे हस्बैंड हंसते हैं। जैसे मैं उन्हें कुछ काम बोलूँगी ना कि ये सामान यहाँ रख दो, तो मतलब वो ये मेरा मैनेजमेंट के हिसाब से रहता है कि ये सामान ये यहाँ का है। जैसे मेरे बच्चों के कपड़े आजकल तो गर्म कपड़े एक जगह पे एक टोकरी में, ठंडे कपड़े एक मतलब हाफ वाले फुल वाले ऐसे, मतलब तो हंसते हैं मुझ पर कि ऐसे क्या रहता है। मैंने कहा यार फिर ना दिक्कत नहीं होती ढूंढने में ना। अब जैसे मैंने पार्टीशन बना दिया तो वही सेट उठाऊंगी मैं जो मुझे सुखाना है, मतलब जो इमरजेंसी है उससे ये कि बाहर डाल दूंगी मैं। तो बता रही थी आपको, वैसे वैसे मुझे इनकी बात भी हंसी आ रही थी ना, जो जो ये बोलते रहते हैं मुझे, तो इसलिए मैं हंस रही हूँ। और यहाँ पे बस बच्चों का हो गया था ये करके मैंने इन्हें बोला संभालो अपनी चीज़ें, हन्नू तो आने से रहा पता नहीं मेरे गले में क्या हो गया, तो ये आया अरब आया, तो मैंने कहा चलो कुछ मैं हेल्प करी अरब आपकी और ये संभाल दूँ। तो बस बच्चों को ही होता है फैलाना है सामान, और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन बस यही रहता है उनका कि इधर से उधर उधर सामान ना फैलते रहते हैं। तो बस ये सब सामान समेट देंगे और अपना टेबल खाली कर देंगे, और टेबल में भी कलर वगैरह सब गिरा दे, मुझे धुलना ही पड़ेगा ये कवर। अब जिस दिन धूप होगी उस दिन धुलूंगी, अभी तो इतना धुलूंगी नहीं क्योंकि खाना वगैरह खाते तो इसी में ही गिरता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो अभी तो मैंने सिंपल पानी से पोंछ दिया। ये कपड़े भी ले रख दिए दोनों ने अलग अलग ब्रश वो साफ़ करने के लिए। तो इसमें आरब ने अपना जूस बना रखा लेकिन पी नहीं रहा है, ग्लूकोन डी बना रखा है। तो ये इनके हमें हमारे वो छूकते रहे, छूकने देना, हनुआ अंदर से बोल रहा है हमारे वो पेपर छूकने देना। मैंने ठीक है वो अलग रख दिए। फिर मैंने यहाँ पे ये टेबल मतलब साफ़ कर दिया गीले कपड़े से। और इस तो अभी 12 ही बज रहे हैं और कपड़े देखो हमारे पूरे फैला दिए मैंने अंदर, फिर कहाँ फैलाओ ना सोफे के ये पीछे पीछे पूरे टांग दिए हैं। और बच्चों को लग रही है भूख, 12 ही बज रहे हैं, दाल तो बल गई है, छोंकूंगे अब। तो हन्नु खा रहा है एप्पल और आरव और आरव के लिए ये अनार छिले जा रहे हैं। तो ये रहता है बच्चों का, भूख लगती है इन्हें। अच्छा लाइट नहीं आ रही, लाइट गई ना इसीलिए इन्हें भूख लगी, नहीं तो वैसे देख रहे थे टीवी। अब हम 12 बजे, हाँ फिर 12 बजे अभी तो उसी समय तो हम खाना और राइटिंग करो, चलो एक उसी समय तो खाते हम। तो देखा बोल रहे हैं कि हमें हमारा लंच टाइम होता है 11 बजे हो जाता है, वो तो 12 बजे थोड़ी होता है, 11 बजे हो जाता है लंच टाइम। और खाना भी पता है आपको अलग अलग बना है, उसने इसने तो सैंडविच खाया, तो आलू गोभी की सब्जी थी उससे मैंने सैंडविच बना लिया था, और हन्नू ने आरव ने ब्रेड खाया घी में वो मतलब फ्राई करके। तो और इसके पापा को चाहिए थी करेले की सब्जी, उन्होंने करेले की सब्जी, तो वही है नाश्ता भी अलग अलग बनता हमारे यहाँ, एक चीज़ नहीं खाते। और अब लग रही है भूख तो अनार दे दूँगी, और फ्रूट भी अलग अलग खाने हैं देखो। और पता है आरब क्या बोला अनार अंगूर खाने में, अंगूर तो हमारे घर में है ही नहीं, अमरूद है ये खा लो। तो चलो इसके बाद खाना बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को फल से तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने दाल छोंक ली, चावल चढ़ाने गई तो कम थे इसमें, तो हमने ना मतलब जैसे वो लेके आए थे कट्टा जो पूरा होता है ना, तो वो लेके आए थे तो आधे इसमें डाल दिए थे आधे इसमें डाल दिए थे, और तो आज ही ख़त्म हो गए, तो ये मैंने इसमें पलट दिया और साफ़ था, नहीं तो मैं धुल देती। और धुल के कोई फ़ायदा भी नहीं है ना क्योंकि बारिश हो रही है, तो फिर सूखेगा भी नहीं गीला गीला रहेगा। तो मैंने ये चावल अब इसमें पलट दिया, अब ये बारीक, अब हमने आटा लेके आ रखा है ना तो वो आटा रखेंगे अभी। तो खाना मेरा बन गया है, मैंने बनाया है आज मसूर की दाल, अभी उबलेगी अभी इसलिए पतली लग रही है, और चावल मेरे चढ़ वो खाना मेरा बन गया है। थोड़ा मौसम सा भी लग रहा है कि खुलने लग रहा है, तो कपड़े भी मतलब जो बाहर थे रेलिंग में वो मैंने डाल दिए हैं, और अंदर के तो अंदर, और फर्श भी मैंने वाइपर से साफ़ कर दिया है। तो बस और टाइम हो रहा है 12:30, 12:30 बज रहे होंगे शायद, 1 बजे होंगे। बस खाना पीना खाएंगे और अब रेस्ट करेंगे। तो देखते हैं, अब रेस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि आज बारिश का मौसम भी है, तो कपड़े देखते हैं अभी अंदर वाले तो अंदर ही, ये अगर सूख गए तो फिर उन्हें डालूंगी। तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।